नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी बोले, पाक साफ है वित्त मंत्री अरुण जेटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडीसीए में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में घिरे वित्त मंत्री अरुण जेटली का बचाव करते हुए मंगलवार को कहा कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वह पूरी तरह पाक साफ है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने भाजपा संसदीय दल की यहां हुई बैठक में कहा कि जिस तरह लालकृष्ण आडवाणी हवाला कांड के बाद निखर कर आए थे, उसी तरह जेटली भी इस मामले के बाद और निखरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी पूरी तरह जेटली के साथ है। बीएसएफ का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 10 की मौत। दिल्ली के द्वारका इलाके में बीएसएफ के विमान हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसा द्वारका के पास शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। दुर्घटना में विमान के मुख्य पायलट भगवती प्रसाद, सह पायलट राजेश शिवरेन और डिप्टी कमांडेंट डी कुमार समेत सभी 10 यात्री मारे गए हैं। नगर विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने हादसे में सभी 10 विमान यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। बीएसएफ के प्रवक्ता कमांडेंट पराशर ने बताया कि बीएसएफ के इस सुपर किंग चार्टर्ड विमान ने सुबह 9:45 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रांची के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही विमान का संपर्क नियंत्रण कक्ष से टूट गया। चालक ने विमान को आपात स्थिति में उतारने की कोशिश की, उसी समय विमान एक दीवार से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम के लोग सवार थे, जिसमें 3 डिप्टी कमांडेंट और 7 टेक्नीशियन थे। मारे गए 7 टेक्नीशियनों में राघवेंद्र, छोटेलाल, एसएम शर्मा, रविंद्र कुमार, डीपी चौहान, सुरेंद्र सिंह और के रावत शामिल हैं। लोकसभा में हंगामे पर अध्यक्ष ने कहा, यह राष्ट्रीय हित नहीं निहित स्वार्थ है। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी हंगामा किया। बीजेपी सदस्य बैजयंत पांडा द्वारा सदस्यों के शोर शराबे के विषय को उठाने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि इनका कोई राष्ट्रीय हित नहीं निहित स्वार्थ है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के कुछ सदस्यों के कार्य स्थगन के नोटिस को अस्वीकार कर दिया और उनसे अन्य अवसरों पर इन्हें उठाने को कहा। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। अफगानिस्तान के बगराम में आत्मघाती हमला, 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के निकट एक अमेरिकी अफगान गश्ती दल पर मोटरसाइकिल से किए गए आत्मघाती हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। सोमवार को इस हमले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने इसे इस साल अमेरिकी सैनिकों पर हुआ सबसे भीषण हमला करार दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने हमले को दर्दनाक बताते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक अभियान चलाने के बाद भी खतरा बरकरार है। दूसरी ओर तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्ला मुजाहिद ने ट्वीट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। मोदी से निशाने पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अफगानी सुरक्षा बलों ने तालिबान की उस बड़ी और घिनौनी साजिश को नाकाम कर दिया है, जिसके तहत यह आतंकवादी संगठन नरेंद्र मोदी पर हमला करने की साजिश रच रहा था। दरअसल तालिबान जलालाबाद स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमले की फिराक में था, जहां आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। गौरतलब है कि मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने रविवार को हमले की योजना बना रहे एक आत्मघाती हमलावर को गिरफ्तार किया। संदिग्ध हमलावर की पहचान नासिर के रूप में की गई है, जो कि उत्तर पूर्व कपिसा प्रांत के तगाब जिले का निवासी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।